हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले वीवर्स, आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए व्यूवर्स, आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल होती है। अब अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं, एटलीस्ट 3 टाइम उनका नाम लीजिए अपने मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में इनको लेके क्या चल रहा है करंटली, प्लीज़ वो हमें बताएं, यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, वी हैव अ सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, वी हैव अ एम्प्रेस, क्या बात है भाई। सन आ गया, टावर आ गया यहाँ पे, ठीक है। डेथ भी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। बॉटम से आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, बहुत ही मेजर एनर्जी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के हैं, ठीक है। मेजर अरकाना यानी कि चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। सो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। सबसे पहले डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग होती है, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए देखी जा सकती है। हम एनर्जीज पे फोकस करते हैं, ना कि राशियों पे, ठीक है। वैसे मैं आपको राशि यहाँ पे जो आती है मैं बता भी देती हूँ, अभी भी बता दे रही हूँ। स्कॉर्पियो राशि मेजर है यहाँ पे, किसी का मंगल यहाँ पे मतलब बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंह साइन किसी का बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। ये सन साइन के हिसाब से भी आप रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे कि कहते हैं ना, नाम राशि के अकॉर्डिंग अगर किसी का नाम है तो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पायसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि। तो ये मेजर इम्पैक्ट आया है, और ये मेजर राशियों में भी ये राशियाँ हैं, ठीक है। तो इनका प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, और मे बी ये राशियाँ आपके पर्सन की एज पर सन साइन भी हो सकती है, नॉट एज अ मून साइन। दोनों तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक ही साइन को कंसीडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे डेथ एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डेथ कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? ओके, हार्मनी एंड कंडीशनिंग, ठीक है। सबसे बढ़िया एनर्जी है ये। टावर की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें, टावर यहाँ पे क्यों आया है? टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भैया, इनकी समझ लग गई है इस पर्सन को, ठीक है। सन एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्यों आई है? सन एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सन आया है कंपैरिजन के साथ में, चेंज लेके, ठीक है। हाई एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स एंजल्स? एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाह, मैं कह ही रही थी, ये कार्ड देख के मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा ही चक्कर है यहाँ पे, ठीक है। हम तुम्हारे हैं सनम, गाना सुना है, बस वही है। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लेरिफाई करें। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स हमें 2 कार्ड के लिए अलाउ करें। सप्रेशन, सेलिब्रेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, देखो एंडिंग और बिगनिंग बिल्कुल सेम हो रही है, ठीक है, दोनों का दोनों डेक से अगर हम देखा जाए, क्योंकि हमने उल्टे कार्ड थोड़े से निकाले हैं। ओके व्यूअर्स, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत समय से सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे थे, अपने दिल की ये पर्सन सुन ही नहीं रहे थे। इनका दिल इनके लिए बोल रहा था कि बार बार, यार ये इंसान तुम्हारे लिए सही है, ये इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है, ये इंसान तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए हमेशा लकफुल रहेगा, ब्लेसफुल रहेगा। इस पर्सन के प्यार को समझ लो, इस पर्सन के प्यार को ठुकराओ मत, इसे इग्नोर मत करो, इसे ईगो मत दिखाओ, इसे इरिटेशन मत दिखाओ, इसे इसके साथ में फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ, इसके साथ में रिश्ते सुलझा लो, बिखरने से बचा लो। बट इस पर्सन की जो ईगो थी ना, वो इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रही थी, इस पर्सन का जो माइंडसेट था ना, वो अलाउ ही नहीं कर रहा था इस पर्सन को। तो आज मुझे व्यूअर्स डेथ कार्ड यहाँ पे इस पर्सन का दिखा रहा है कि इस पर्सन ने ईगो को आज अपनी क्लैश होते हुए देखा है, ठीक है। ईगो की वजह से इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं
जहाँ पर इस पर्सन का दिल है ना वो ओपन हो गया है। दिमाग ने अपना जो एक हुक्म इस पर्सन के ऊपर जमा रखा था, इस पर्सन के दिल को कैप्चर कर रखा था, वो मुझे यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे डेथ के साथ में टावर कार्ड भी आया है, इसीलिए मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग लग गई है। ठीक है, जब मैं कार्ड निकाली थी मैंने आपसे तभी बोला था इस पर्सन को समझ में आ गई है कि ये जिस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे या जिस तरह से अपनी लाइफ को लेके ही चलना चाहते थे, जो इन्होंने भ्रम अपनी लाइफ में बना लिया था, जो सोच इन्होंने अपनी लाइफ में बना ली थी स्पेशली आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, दैट इज़ ब्रोकन, वो ब्रोक हो गई है। इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि इनकी ईगो की वजह से, इनके अपने पर्सनल प्रोस्पेक्टिव की वजह से, ठीक है, इन्होंने ये रिश्ता, या अगर ये छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स जिस कंफर्ट जोन में जाके आपके पर्सन बैठ गए थे, ठीक है, जिस जहाँ पर इनको अपना ही अहंकार सबसे ज़्यादा ऊँचा नज़र आ रहा था, आज वो यहाँ पर टूट रहा है। सो इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन है आपके, जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो स्पेशली, इनका यहाँ पे आप पहले के कंपैरिजन में आप एक नया रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल कैसे कहते हैं ना, सुबह ओस की बूंद की जैसा, बिल्कुल बिल्कुल एक नया वर्जन। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के कहीं ना कहीं माइंड सेट में, सोच में आपको लेके यहाँ पे एक बिल्कुल नया परिवर्तन नज़र आ रहा है, और ये व्यक्ति व्यूअर्स पहले के कंपैरिजन में अब बिल्कुल मुझे चेंज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, आपकी सोच को लेके। दे फील लाइक यू आर द कंपैटिबल मैच, है ना, आप उनके लिए कंपैटिबल मैच हो, आपको वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको अपना लवर देख रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपको चाहने लगे हैं, आपसे फिर से प्यार करने लगे हैं, आपकी तरफ झुकने लगे हैं, दिल झुकने लगा है, उनका झुकाव आपकी तरफ होने लगा है। ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे जैसे कहते हैं ना, आप एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहे हो जिसने जिसने इस व्यक्ति का जो फ्लो है वो अपनी तरफ मोड़ लिया है। ये व्यक्ति अपनी ही एक दिशा में चलते चले जा रहे थे, लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित हैं कि आपकी तरफ फ्लो कर रहे हैं, जस्ट लाइक नदी की धारा जो है वो अपना रास्ता बनाती है और आप उनको वो रास्ता दे रहे हो कि हाँ ये रास्ता है और इसी पर चलो, वो आपकी तरफ व्यूअर्स, इसीलिए मुझे झुकाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति का, इस पर्सन का, वो आपको जैसे कि पहले से भी ज़्यादा, ये कहूँगी पहले से भी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है, आपको प्यार करने लगे हैं, आपको एडमायर करने लगे हैं, आपके प्यार को समझने लगे हैं, आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपको एक अपनी लाइफ में कंफर्ट देना चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे वांट टू बी कंफर्टेबल विद यू, वो चाहते हैं कि आपके साथ में वो एक कंफर्टेबल लाइफ को वो स्पेंड करें, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, वो ये दिखाती है कि अब ये व्यूअर्स आपको अपना मे बी लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में मे बी यहाँ पे सोच रहे हैं। कुछ लोगों के केस में अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके साथ में जुड़ सकते हैं या फिर आपके साथ में पैचअप कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट की एनर्जी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग एक ऑलरेडी एक मैरिड पार्टनर हो तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनके आपकी जिम्मेदारियाँ यहाँ पे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वो एनर्जी व्यूअर्स है। और मैं इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के दबाव में इस समय है कि यार इन्होंने ये सब चीज़ें मतलब क्यों करी आपके साथ में, इतना रूड बिहेवियर क्यों किया आपके साथ में, इतना आपको क्यों तड़पाया, क्यों तरसाया, क्यों आपको इंतज़ार करवाया, क्यों समझ नहीं आया, मतलब ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे एक तरह के ऐसे दबाव में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन का अब आपका होना है, इनको आपको चाहना, इनको आपको अपना बनाना है, देन हाउ। दोनों ही तरफ में व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ ये पर्सन आपके प्यार में पागल मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें आप लोगों से, किन लोगों से कितना रेजोनेट कर रही हैं, बट ये एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है, दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, वो आपके साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के यहाँ पे ख्वाब संजोते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो आपसे मतलब अपने
जैसे कहते हैं ना, एक डायलॉग बोलूँगी, जैसे आशिकी का एक नेक्स्ट लेवल आपके साथ में आपके पर्सन का व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूवर्स, इस पर्सन की कहीं ना कहीं डिज़ायर है, ये ख्वाहिशें हैं कि वो आपसे जुड़ के अपनी लाइफ में ये सब चीज़ देख सके, वो होता हुआ देख सके, अपने सपनों को साकार होता हुआ देख सके। जो सपने कभी 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 पहले सिर्फ आपके हुआ करते थे, राइट ना, वो पर्सन, ये पर्सन जी रहा है व्यूवर्स आपके लिए। इवन दो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे जो भी हो, बट यस, दे लव यू, दे लव यू, दे लव यू। ठीक है, बिल्कुल एक नया डिफरेंट वर्जन व्यूवर्स मुझे इस पर्सन का यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। मे बी आपको सुनने में हैरानी होगी, क्योंकि आपने इस पर्सन का जो अब तक वर्जन देखा है, आपके पर्सन यहाँ पर वही कह रहे हैं आपसे कि ठीक है, तुमने मुझे अभी तक जैसा देखा है ना, अब तुम मुझे ऐसा नहीं देखोगे, तुमने मेरा एक बहुत ही एक क्रूर रूप देखा है, जहाँ पे तुमने मेरी इग्नोरेंस सही है, तुमने मुझे मेरा गुस्सा देखा है, तुमने मेरी मतलब कड़वी बातें सही हैं, जो करेले से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कड़वी रही हैं। लेकिन अब तुम मेरा बिल्कुल एक अलग रूप देखोगे, और वो रूप होगा किंग ऑफ कप्स का। वो एक ऐसा रूप होगा जहाँ पर तुमने जो अब तक देखा है मेरे साथ में, जो तुमने अब तक जिया है, वो अब तुम नहीं जियोगे। और व्यूवर्स, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके प्यार के लिए, आपके जो आपके होने के लिए कहीं ना कहीं मे बी समवेयर कुछ लोगों से, कुछ लोगों के अगेंस्ट जाके आपके साथ में ये सब कुछ करने वाले हैं। मे बी अपनी फैमिली से आपके लिए स्टैंड लेने के लिए फ़ाइट करें। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार में होने की वजह से ये पर्सन अपनी फैमिली के मे बी अगेंस्ट जाएं, या फिर अपनी फैमिली को कन्वेंस करने की कोशिश करें, या कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी करें जो एज़ पर इनके प्रैक्टिकल माइंड, इनका माइंड जो था, उसके अगेंस्ट जाके ये काम करें। ठीक है, तो मुझे कुछ कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन आपके कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं जो आप दोनों के बीच की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी, आप लोगों के बीच में समस्याएं तो ज़रूर थी, ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में तकरार नज़र आती है, इग्नोरेंस नज़र आती है, मनमुटाव नज़र आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। ठीक है, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर पैचअप की एनर्जी है, यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। तो मुझे आप लोगों के बीच में सुलहनामा होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोग के लिए। व्यूवर्स, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके लिए अपने परिवार में फिर से कम्युनिकेशन करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे, सो दैट दे कैन रिसीव देयर परमिशन, और आप लोगों के बीच में परमिशन मिले और आप लोग फिर से एक हो पाएँ। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप लोगों के बीच में सुलहनामा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। बट ये कहूँगी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके, ठीक है, मतलब आपका प्यार पाने के लिए अपने फैमिली से भी तकरार करते हुए ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो इस पर्सन का बिल्कुल डिफरेंट वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो व्यूवर्स, अब तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप एक गिवर की एनर्जी में रहे थे, हमेशा से आपने एफर्ट्स डाले थे, हमेशा से आपने इस कनेक्शन को बांधने की, संभालने की कोशिशें करी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक्शन में रहे हैं अब तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक रिसीवर की एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ये कहूँगी कि एक एडमायरेशन, जैसे कि होता है किसी को कोई एडमायर करता है, तो ये आपको एक एडमायर करने वाले हैं आपके प्यार के लिए, कि यार तुमने मेरे लिए जो जितना प्यार अपने दिल में बचा के रखा, संभाल के रखा, इस रिश्ते को तुमने जितना हैंडल किया, उतना मैं नहीं कर पाया। अगर तुम हमारी जगह कोई और होता, तो समवेयर इनको छोड़ के मे बी कब का चला जाता, अपनी लाइफ में किसी और से कनेक्ट हो जाता, किसी और के साथ में अपनी लाइफ को बना लेता या बना लेती। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, आपके अभी तक के पेशेंस और जो आपने इस कनेक्शन में अपना इनपुट दिया है, उसको लेके यहाँ पे मुझे आप एक एडमायर की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सारी प्रशंसा अपने लिए रिसीव करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है। ये डेथ और ये टावर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल को मचा रहा है। यहाँ पे उथल पुथल इनके जीवन में जब मची, तब जाके इनको आपकी वैल्यू यहाँ पर समझ में आई है। तो यहाँ पर ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में, एक तो इस पर्सन का ईगो टूटा, इस पर्सन का किसी और को लेकर चाहना है, किसी और को आपसे ज़्यादा वैल्यूबल समझ
समझना है, वो यहाँ पे टूट रहा है, वो भ्रम यहाँ पे टूट रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे टूट रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में जो चल रही है वो यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आपके पर्सन के साथ में अगर आप देखेंगे जिद की एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी जिद है कि अब ये आपको पाएंगे, तो समवेयर दे फाइट फॉर यू, यहाँ पर फाइटर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद से भी फाइट कर रहे हैं, खुद के बिहेवियर से भी फाइट कर रहे हैं, लोगों से भी फाइट कर रहे हैं, फैमिली से भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव और एक पावरफुल एनर्जी में हो। जब इंसान एक इतनी पावरफुल एनर्जी में हो तो उसकी लाइफ में चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे व्यूअर्स आप लोगों को कुछ मतलब लगेगा मैं ओवर बोल रही हूँ, बट यस ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सारे के सारे सितारे जो प्लैनेट है हमारे वो आपके फेवर में यहाँ पे मुझे वर्क करते नज़र आ रहे हैं। जैसे सारे प्लैनेट की ताकत, सारी राशियों की ताकत इस समय आपके हाथों में है और आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग, अपनी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग इस रिश्ते को यहाँ पे डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कभी कभी सारे सितारे किस्मत बुलंदी पे होती है, तो बस वही मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जैसे इस समय आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है और इसीलिए आपके लाइफ में इतना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर सबसे पहले नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो और देखते हैं व्हाट यू विल गोइंग टू रिसीव, आप अपनी लाइफ में क्या रिसीव करने वाले हो इस पर्सन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स क्या रिसीव करने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से अब क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या रिसीव करने वाले हैं। वाओ, अनदर वी हैव मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड भी मेजर अरकाना को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, हेवी मेजर कार्ड हो गया, जस्टिस। तो आप रिसीव क्या करने वाले हो व्यूअर्स यहाँ पे, एक तो जस्टिस, आपका अपना हक जो आपको मिलना चाहिए ये आप यहाँ पे रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप जैसा सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, तो आप क्या रिसीव कर रहे हो, एक बड़ा और बिग जस्टिस अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये तीनों ही कार्ड बड़े मेजर आ गए हैं आपके लिए। तो मैंने जो बोला इस समय कि जैसे कि सारे प्लैनेट, सारी की सारी दिव्य शक्ति आपके फेवर में है, तो यस आपके फेवर में ही चल रही हैं, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आई थिंक सो आपको इसको क्लेम ज़रूर करना चाहिए, तो क्लेम ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये फुल ऑफ अबेंडेंस है, यानी कि हर तरह से आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, लव एंड सपोर्ट मुझे यहाँ पर आप लोग एक ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शादी का मंडप यहाँ पे सजा हुआ है और आप उसमें एक सर झुका के काइंड और रिस्पेक्टेड जैसे इंसान होता है ना जो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा होता है वैसे बैठे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए वैसी ही एनर्जी मिल रही है कि यू विल रिसीव सो मच ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स आपको जैसा आप इस एनर्जी में अपने आप को देखना चाहोगे आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो यस आप मैनिफेस्टेशन अपनी स्ट्रांग रखो, डाउट मत लाओ, यूनिवर्स पे फेथ रखो, यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे फिर से मिल रहा है ये इन कार्ड्स के थ्रू आपके लिए, जैसे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है और आपके हाथ में इस समय जो ऐसी जैसे कहते हैं कभी कभी जवान पर सरस्वती आती है, जो बोलो वो सच हो जाता है, तो बस वैसी एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइक जो बोलोगे वो हो जाएगा, तो नेगेटिव मत बोलना कुछ भी। ये उल्टे पुल्टे जो कभी कभी कमेंट आ जाते हैं ना, मुझे वो लगता है कि यार अपनी लाइफ में आप इतने खुद ही नेगेटिव हो तो आपका ऊपर वाला भी क्या करेगा, तो ऐसा मत बोलो, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज देख रही हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेज क्या है। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड, आई एम इग्नोरिंग अदर पीपल, अब दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी की परवाह नहीं है, दुनिया जो बोलती है बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरों को आपको लेके जो माइंडसेट है होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे लव यू एंड दैट इज़ फाइनल। ठीक है, समथिंग इज़ बिटवीन अस विच कनेक्टेड बोथ ऑफ अस, हमारे बीच में कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों को एक दूसरे से कभी जुदा होने नहीं देगा, वो है क्या है, वो है प्यार, वो है डिवोशन, वो है ट्रू लव, वो है एक दूसरे के लेके समर्पण की भावना, तो वो यहाँ पर है आप लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन भी यहाँ पर फील होता है। यू वर रॉन्ग टू, हाँ ठीक है, कभी कभी तुम भी गलत रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही गलत रहा हूँ, समटाइम तुम भी गलत हो, तुम भी चीज़ें को बहुत ज़्यादा उकसा देते हो, बढ़ा देते हो, तो ये भी आपके पर्सन कह रहे हैं ऐसा नहीं है यार कि हमेशा मैं ही गलत होता हूँ, तुम भी गलत हो सकते हो। ठीक है, सो एक्सेप्ट इट,
आई एम गोइंग टू गेट हेल्प, आई नो आई नीड टू. तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, तो मे बी समवेयर कुछ अदर हेल्प लेने की भी कोशिश करें, किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेशन करें. ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें. ठीक है, इनके हालातों को समझें कि भाई इनसे ये आपसे क्यों दूर हुए, ये क्या वजह थी, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर इनकी करंट सिचुएशन क्या है. सो दे नीड योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल. ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, आई नो यू हेट मी. वाह, सो मच पावरफुल, ये तो सीधे कटाक्ष हो गया. बट आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस. तो मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, ठीक है, तुम मुझे ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपकी हैप्पीनेस चाहते हैं, चाहे आप जैसे भी हो, बट दे लव यू. ठीक है, आई डोंट हैव दी एनर्जी फॉर दिस राइट नाउ. आपके पर्सन कह रहे हैं कि अभी यार अभी मैं बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, गड़बड़ चल रही है बहुत सारी. ठीक है, तो अभी मैं खुद ही कहीं ना कहीं बिखरा हूँ, टूटा हूँ, क्योंकि इस पर्सन का जो आपको लेके माइंड सेट था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है. बट यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि यू आर माई वीकनेस. ठीक है, आई कांट बी एंग्री विद यू फॉर द लॉन्ग टाइम. आप उनकी वीकनेस हो, वो आपसे ज़्यादा देर समय तक गुस्सा होके नहीं रह सकते, आपको ईगो नहीं दिखा सकते, आपसे गुस्सा नहीं रख सकते, तो आप उनकी वीकनेस हो. जैसे आपसे बात करना उनके लिए कितना ज़रूरी है ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, और आपसे बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, तो लड़ेंगे झगड़ेंगे पर जाएंगे कहाँ, प्यार भी आप ही से करेंगे, लड़ेंगे भी आप ही से. तो सारी दुनिया जैसे उनकी सेंटर आप हो और आप ही के चारों तरफ घूमती है, यू आर द सेंटर ऑफ देयर हार्ट. मैं यहाँ पे ये बोलूँगी जैसे आप उनका दिल हो और दिल्ली के चारों तरफ उनका पूरा का पूरा जो माइंड सेट है वो घूमता हुआ यहाँ पे नज़र आता है. ठीक है, सो व्यूवर्स यहाँ पे एक कार्ड और मैं आपको दिखाना चाहूँगी. आपके साथ में फ्यूचर देखना चाहते हैं अपना, और फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं, बिसाइड यू, आपके साथ में, आपके बराबर में आपके पर्सन अपने आप को देखना चाहते हैं. ठीक है, तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें. ओके, सो बाय, टेक केयर.